नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी मित्सुबिशी की पीएलसी होती है उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रहता है जीएक्स डेवलपर, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपके पास इसका सेटअप होना चाहिए। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास जीएक्स डेवलपर का 8 वर्ज़न का सेटअप है। तो मैं इस फोल्डर को जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरे पास अंदर ये सेटअप की फ़ाइल निकल के सामने आ जाएगी। जो हमारा ये जीएक्स डेवलपर सॉफ्टवेयर रहता है, इसको रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट फ़ाइल पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो ये ENVMEL के नाम से इसमें लिखा हुआ है। अभी जहाँ पे कर्सर है ENVMEL, सबसे पहले हमें इस फोल्डर को ओपन करना है और इसके अंदर जो सेटअप फाइल है उसको इंस्टॉल करना है। तो इसको ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस इसका दिखाई देगा। इसके अंदर जो ये सेटअप वाला आइकन बना हुआ है जिसके सामने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, हमें इस पर डबल क्लिक कर देना है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो हमारे सामने पॉपअप हो जाएगी, तो इसको हमें यस कर देना है। जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ गया इन्वायरमेंट ऑफ मेलसॉफ्ट, मतलब कि जो मित्सुबिशी का हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट है उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। जैसे पिछली बार स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब फिर मैं इसको आगे नेक्स्ट कर दूँगा, तो दो बार नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन पूरा होगा आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगा जिसमें लिखा होगा फिनिश। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप कंप्लीट, तो आप इसको फिनिश कर दीजिए कि मेरा सेटअप पूरा हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, फिर से बाहर चले जाएंगे, जो मेन सेटअप था हमारा उसके अंदर हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये सेटअप के नाम से बना हुआ है एप्लीकेशन जिस पे लिखा हुआ है, अब इस वाले सेटअप पे हम डबल क्लिक करेंगे जाके। ये जो है हमारा ये मेन सेटअप है सॉफ्टवेयर का, और जो ENVMEL फोल्डर के अंदर हमने इंस्टॉल किया है जाके, वो एक इन्वायरमेंट फाइल है। इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए पहले, वो बेस सेटअप लैपटॉप के अंदर अब इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं इस ENVMEL वाले सेटअप को इंस्टॉल किए, डायरेक्ट इस सेटअप को इंस्टॉल करूँगा, तो वहाँ पे मेरे को ये एरर शो कर देगा कि पहले प्लीज़ इंस्टॉल ENVMEL इन्वायरमेंट ऑफ मेलसॉफ्ट इंस्टॉल कीजिए। तो अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ इस वाले सेटअप पे, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये कह रहा है कि क्या आप इस लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। अब यस करने के बाद जैसे ही आप यस करोगे इसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको अब ये कह रहा है कि देर इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई और अदर एप्लीकेशन चल रही है तो आप उस एप्लीकेशन को पहले बंद कर दीजिए। तो आप इस पर ओके कर देना है यहाँ पे, और आपको कुछ नहीं करना। ओके करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा वेलकम टू सेटअप प्रोग्राम, की जो हमारा जीएक्स डेवलपर का सेटअप प्रोग्राम है उसके लिए वेलकम करेगा। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लिखा आ रहा है हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे ये आपका यूज़र नेम और कंपनी का नेम मांगेगा कि किस आपका यूज़र नेम क्या होगा और किस कंपनी के लिए आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी XYZ नेम मैंने दे दिया है फ़िलहाल। इसको यहाँ पे नाम डालने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन मांगेगा, इसको भी हमें यस कर देना है। यस करने के बाद अब ये यहाँ पे हमसे की मांगेगा कि जो सेटअप के लिए की चाहिए वो की हमें यहाँ पे अब डालनी पड़ेगी। तो वो की मैं यहाँ पे अभी डाल दे रहा हूँ। ये जो की हैं ये परचेस की जाती हैं बेसिकली। ये ट्रायल वर्ज़न के अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ट्रायल वर्ज़न हमारे पास है तो वो विदाउट की के हमारा चल जाएगा। बट हमें अगर कंप्लीट पैक इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए हमें की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ही मैं की डाल दूंगा तो की डालने के बाद मेरे पास एक और विंडो ओपन होगा जिसके अंदर ये पूछेगा कि क्या स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग फंक्शन आपको इनेबल करना है। तो यस, हमें इसको इनेबल कर देना है, क्योंकि बहुत सारी PLCs के अंदर जो प्रोग्राम बना रहता है वो ST के अंदर बना रहता है। और यहाँ पे इसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अगला यहाँ पे एक विंडो पॉप होगा जिसके अंदर लिखा होगा ओनली फॉर मोनिटरिंग GX डेवलपर। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ मॉनिटरिंग के काम आएगा, आप उससे एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर से एडिटिंग भी करनी है, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा और नेक्स्ट मैं
कर दूंगा। अब नेक्स्ट करने के बाद एक और विंडो ओपन होगा यहाँ पे। यहाँ पे पूछेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द इंस्टॉल कंपोनेंट, कि जो आपको कंपोनेंट इंस्टॉल करने हैं आप उनको सेलेक्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पे ये सभी कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेने हैं क्योंकि हमें कंप्लीट पैक चाहिए। कंप्लीट पैक की ज़रूरत देखिए, अगर हमें कंप्लीट फंक्शन करने हैं, रीड राइट ऑनलाइन एडिटिंग वगैरह करनी है, तो हमें कंप्लीट पैक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमें एडिटिंग वगैरह नहीं करनी तो जैसे पिछला मॉनिटरिंग वाला जो ऑप्शन था, हमें उसको क्लिक कर देंगे तो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रह जाएगा। अब जैसे ही मैं उसको नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास एक और विंडो ऑप्शन हो जाएगा जहां पे लिखा होगा चूज डेस्टिनेशन लोकेशन। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट जो इसकी लोकेशन बन रही है आपको वही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे देखिए सेटअप की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो आपके पास एक मैसेज पॉपअप होगा कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम रीस्टार्ट करने के बाद, अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद, हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-5 मिनट का यहाँ पर टाइम लगेगा। जैसे ये पूरा होगा तो सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें अभी जो मिलेगा वो रीड का ऑप्शन मिलेगा, राइट का ऑप्शन मिलेगा, मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो सिलेक्ट किया है वो सभी को सिलेक्ट किया है, जो मेलसेक के कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट को सिलेक्ट किया है। और सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल करें हमें, तो जो भी मैसेज हमारे पॉपअप होते हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ने के बाद ही उन पर जो भी वहाँ पर टास्क दिया गया है, एक्शन टास्क जो भी दिया गया वो परफॉर्म करना चाहिए। अभी जैसे ये सेटअप कंप्लीट हो रहा है, एक इसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, फिर से ये स्टार्ट हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-5 मिनट का टाइम लग सकता है। आपके लैपटॉप की स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ भी सकता है, टाइम कम भी हो सकता है, पर ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं, 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी ये थोड़ा सा ले रहा है टाइम, इसको कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि कैसे जो इंटरफेस है हमारा ओपन होता है और कैसे ये फर्दर आगे काम करता है। अभी 80% हो चुका है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अभी जो अलग अलग पैकेज हैं उनको ये इंस्टॉल करता है, जैसे रजिस्टर पैकेज फॉर इंफॉर्मेशन अभी ये कर रहा है। अलग अलग जो ड्राइवर रहते हैं हमारे अलग अलग PLC के लिए, उनकी इंस्टॉलेशन होती है इसके अंदर। जैसे USB वाला हमारा ड्राइवर रहता है, उसकी इंस्टॉलेशन होती है। जो सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए रहता है, जो वाया GOT कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए रहता है। अभी जैसे 2 प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी हैं, अब तीसरी ये जो फाइनल प्रोसेसिंग निकल के आ रही है, इसमें ये कहेगा कि एक फोल्डर आपको क्रिएट कर दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कंप्लीटेड द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, हमें इसको ओके कर देना है। तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर को बंद कर दूंगा। इस फोल्डर को बंद करने के बाद जो हमें जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च विंडो वाले सर्च वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा GX के नाम से ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो जाएगा, या मेलसॉफ्ट के नाम से भी बन जाएगा। यहाँ पे फोल्डर मेलसॉफ्ट के नाम से भी हमें मिल जाएगा ये, या मित्सुबिशी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं इसको। तो ये जिस भी नाम से आप सर्च करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी जैसे एक मिनट, इसके अंदर GX डेवलपर लिख के मैं सर्च किया तो ये डेस्कटॉप आइकन वाला आ गया मेरे पास। मैं इसको आइकन को डेस्कटॉप पे ले आऊँगा, मैं इस आइकन को डेस्कटॉप पे ले आऊँगा, तो ये जो मेरा आइकन है ये मेरा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। आगे अब जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं जाके, जैसे ऑनलाइन में जाके रीड फ्रॉम PLC करके हम रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन के बारे में कि कैसे जो हमारा सेटअप का इंस्टॉलेशन रहता है वो पूरा रहता है। ये पूरा विंडो आपके सामने अभी आ गया होगा खुल के। इसके अंदर जैसे हमारा प्रोजेक्ट, एडिट, फाइंड, रिप्लेस, ऑनलाइन डायग्नोस, जो भी ऑप्शन चाहिए वो सारे ऑप्शन आ गए हैं। कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। FX का जो भी आपका सीरीज़ का PLC है, लेडर SFC जैसे मैंने सेलेक्ट किया था, तो वो सारा हमारा आ चुका है। ओके करने के बाद ये हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम ओपन कर रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो अपना प्रोग्राम हम बना सकते हैं। जैसे मैं अभी एक होल्डिंग का छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ कि एक Y1 आउटपुट को एक आउटपुट से होल्ड करा दिया जाए, और इसके अंदर अगर स्टॉप बटन का डालना चाहूँ तो स्टॉप बटन का मैं डाल सकता हूँ। आगे टाइमर वगैरह लगाने हैं तो टाइमर वगैरह लगा सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है कंप्लीट रेडी है अभी इस्तेमाल करने के लिए। हम इसको जाके PLC पे ऑनलाइन कर सकते हैं।
और जो भी हमें अपना परफॉर्म करना है, टास्क बैकअप को अपलोड करना है, राइट करना है, रीड करना है, वो हम लगा सकते हैं। अभी जैसे देख रहे हो, मैंने एक टाइमर लगा दिया यहाँ पे। अब इसको राइट करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद ऑनलाइन जाके राइट टू PLC में करूँगा तो राइट हो जाएगा, और बैकअप लेना है तो रीड फॉर्म PLC करके मेरे पास बैकअप आ जाएगा। तो ये था इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है, आगे कैसे इसको प्रैक्टिकली बैकअप को रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है, और अलग अलग इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म की जाती हैं, और उसके लिए हमारी अलग अलग वीडियो हमने बनाई हैं, वो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।